अपने वहाँ पे बहुत सारे बिग बाजार होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे एक ग्रीन बाजार है। कितनी फ्रेश है देख सकते हो यार, मस्त। कैश $200, उसके बदले हमें मिले हैं 92,200। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलमाटी, मतलब गुड आफ्टरनून हो चुकी है। हम लोग, आपको पता है कि लेट लतीफ़ ही चलते हैं, रिलैक्स करते हुए चलते हैं, इन्जॉय करते हुए चलते हैं अपने मूवमेंट को। सो आज है हमारा पहला, दूसरा, थर्ड डे इन अलमाटी कजाकिस्तान, और लग रहा हो ना पूरा कजाक आया वाले शुरू। तो गाइज, अब भी अपन लोग जा रहे हैं आज सिटी को एक्सप्लोर करने। आज हमें कहीं और जाना है, बट इतना अच्छा मौसम देख के हमारा मन नहीं कर रहा कि हम सिटी को छोड़ के जाएँ। बाहर देखो कि क्या धूप निकली हुई है, और इस टेम्परेचर में इतनी अच्छी हवा, ठंडी चल रही है कि आप जैकेट कैरी करो और धूप का मजा लो और यहाँ पे वॉक करो। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं सिटी के लोकल जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए। कल आपने वीडियो देखा, पिछली वीडियो में हम गए थे शंभू लेक भाई, वो तो मैं उसके लिए तो जगह के लिए वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। तो आज जा रहे हैं सिटी को, लोकल को एक्सप्लोर करने, कुछ लोकल कुजीन ट्राई करेंगे। वैसे तो हम रात को जाके करते हैं, खाना खाते हैं, और क्योंकि जिस एरिया में मैं रुका हूँ ये अरबत स्ट्रीट के बिल्कुल पास है। आई रिकमेंड यू, जहाँ भी अपना स्टे चूज़ करो अरबत स्ट्रीट के पास ही अपना स्टे बुक करवाना, ताकि आपको ना वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सब फैसिलिटी मिले। मैं मतलब अगर इस साइड गया तो मैं आपको दिखाऊंगा, जिस जगह मैं रह रहा हूँ नीचे रोलेक्स का स्टोर है, सामने ह्यूगो का स्टोर है, मतलब दिस एरिया इज सुपर लग्जरी अल्टीमेट। और जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं तो वो तो वैसे ही देखने के अच्छे हैं। अब देखिए, ये मेरे सामने जो बिल्डिंग है ये सोवियत यूनियन के टाइम की बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है। बट जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ ये एक साल पुरानी है, तो इसका इंटीरियर तो आपने देखा ही है मेरी पिछली वीडियो में, अपार्टमेंट वाली वीडियो में। और अभी तैयार हो गया, लेट तो हो गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा रात को लेट आते हैं ना घूमते अरबत पे, तो चलता है। अभी चलते हैं आज हमारे पास करने के लिए ग्रीन बाज़ार, कैथेड्रल चर्च और कोकतोबे, और बाकी जहाँ हमारी मंजिल हमें ले जाए, जहाँ हमारा मन ले जाए हमें। तो अभी चलते हैं, घूमते हुए निकलते हैं नीचे। और आज तो भाई इतनी सारी रील्स बनाऊँगा, इतनी सारी फ़ोटोज़ खींचूँगा भाई, यार इतना अच्छा मौसम है ना, आई जस्ट लव दिस वेदर। जैसे हर साल दुबई और थाईलैंड जाते हैं, ऐसे मेरे को लग रहा है आगे से हर साल एक अलमाटी का भी ट्रिप बनेगा। जाएंगे अस्ताना वगैरह भी जाएंगे। सो अभी निकलते हैं रूम से और बाहर मिलता हूँ आपसे, सी यू लेटर। तो भाई अभी तक मैं आपको यहाँ की स्ट्रीट्स नहीं दिखा पाया था, अभी दिसंबर का 3rd है, वीडियो काफ़ी लेट आएगी, बट आप देख सकते हो पूरे मॉल्स वगैरह, रोड्स वगैरह डेकोरेट हो चुके हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे ना दिवाली तो अपने वहाँ होती है, यहाँ पे न्यू ईयर और क्रिसमस बहुत स्पेशल मानते हैं, बहुत स्पेशल। तो पूरी सिटी होती है ना, पूरी सिटी डेकोरेट होती है न्यू ईयर के सीन पे। तो अभी अपन लोग चल रहे हैं ग्रीन बाज़ार, आपको दिखाते हैं ग्रीन बाज़ार क्या है। ग्रीन बाज़ार की काफ़ी हाइप है, चल के देखते हैं। हाँ, एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन कह लो, मार्केट कह लो, आए हो तो कवर करो। गाइस यहाँ पे है इतनी सारी बाइक्स, और अभी अपन लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो इस पर भी घूमेंगे, इसका भी एक्सपीरियंस लेंगे भाई, मज़ा तभी आएगा। और ये बर्नआउट मार रहा है, देखो भाई ये बर्नआउट मार रहा है भाई, ज़बरदस्त होगी, डाउनलोड होगी इससे, मतलब अगर ये मिल, ये एक बार ऐप डाउनलोड कर लो जैसे, पूरा इस पर भी घूम सकते हैं लोकल, जैसे थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, बहुत टाइम बचाता है, टाइम सेविंग है ये, मज़ेदार। ये एक हमें पैटी शॉप दिखी, मतलब काइंड ऑफ पैटी, इसमें सारा नॉन वेज है, इसलिए हमने यहाँ से एक ये लस्सी ली है, और ये लस्सी है यहाँ की लोकल, थोड़ा सा इसमें फिज भी होता है लस्सी के साथ साथ, तो कल हमने पी थी, ट्राई करी थी, अच्छी थी। तो आज हमने एक एक और ली है, 250 टेंगे की है, लगभग 40 रुपये, 45 रुपये इतने की है, बट अच्छा टेस्ट है। Cheers. देख रहे भाई, पूरे रूल्स फॉलो करे जाते हैं, बिना ट्रैफिक सिग्नल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के आप नहीं कर सकते क्रॉस, और काफ़ी मतलब पूरे स्ट्रिक्ट रूल्स है, और हर कोई फॉलो भी करता है। हमारे वहाँ की तरह नहीं है कि कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, चले जा रहे हैं, यहाँ सारे स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते हैं। और ये भाई फाइनली हम घूमते घुमाते पहुँचे ग्रीन बाज़ार, यहाँ का मतलब अपने वहाँ पे बहुत सारे बिग बाज़ार होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे एक ग्रीन बाज़ार है, यहाँ पे लोकल लोग सारी अपनी वीक की शॉपिंग यहीं से ही करते हैं, और इसकी कोई टाइमिंग होती है, 5-6 बजे तक का टाइम होता है, और मंडे ऑफ होता है। तो मेक श्योर जब भी आप आ रहे हो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आना कि यहाँ पे ये बाज़ार बंद ना हो, क्योंकि फर्स्ट डे जब हम आए थे तब हमें पता लगा था कि ये बंद है, तो इसलिए हम आ जाए हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे, और ये वर्थ है या नहीं आना वो भी पता लगेगा। ये भाई ग्रीन बाज़ार, ये इसका फ्रूट सेक्शन है, खजूर वगैरह और ये सब, ड्राई फ्रूट आइटम्स,
हाउ मच फॉर दिस वन? 5000 कितना हो गया अपना? अरे 5000 तो ठीक है, 1000 रुपए किलो हो गया। अरे क्या है बट काजू है ना, 1 kg 5000 दिस वन 4000 ये क्रैनबेरी दिस व्हाट कुलक्वा कैन वी चेक चेरी भाई ये है यहाँ का ड्राई फ्रूट सेक्शन, कहते हैं कि कजाक का ड्राई फ्रूट अच्छा है, मतलब ड्राई फ्रूट यहाँ से लोग लेके जाते हैं अगर आप आए हो तो, ड्राई फ्रूट इज़ अ गुड ऑप्शन या फिर चॉकलेट्स, वो आपको बाद में दिखाऊंगा। तो भाई कितनी फ्रेश है देख सकते हो यार, मस्त फ्रूट तो एक नंबर का है यहाँ पे दिख रहा है जो, क्योंकि तो अनार देखो भाई बहुत अल्टीमेट फ्रूट है यहाँ पे। हाँ अनार का साइज देखो और सारी मतलब फ्रूट है भी बहुत टेस्टी यार, देखने में कितने प्यारे लग रहे फ्रूट, देख के मजा आ जाए भाई। कितना फ्रेश फ्रूट है यार भैया, है ना मस्त फ्रूट है ना एकदम भाई, क्वालिटी है। हाँ मतलब थोड़ा सा महंगा है, महंगा मिले क्योंकि A1 क्वालिटी का फ्रूट है। मतलब दिस वन एवोकाडो 900 अभी बहुत सही है ये तो, 900 के हिसाब से 150-180 रुपए का एक पीस पड़ेगा ये तो। ले ले एक दो चीजें खाओगे रात को खा लेंगे ना। And this one? Adrosi. No Adrosi. This one? Same. लोग थोड़ी ना लोकल लोग खरीद ही लेंगे। बहुत बड़ी है ये मार्केट और अलग अलग पार्टीशंस बने हैं, ये भी ग्रीन बाजार है, ये भी ग्रीन बाजार का पार्ट है, आगे भी सारा ग्रीन बाजार है। तो हमें तो फ्रूट अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्रूट लेते हैं एक बार, करेंसी चेंज करा के फ्रूट लेंगे, रात को खाएंगे बढ़िया एंजॉय करेंगे। फ्रूट एक नंबर फ्रूट भाई। भाई ये शूज़ की मार्केट है इनका और जैकेट्स वगैरह भी है, मतलब अब अपना इंडियन जैसा ही मार्केट है, ओपन मार्केट है और अच्छी शॉपिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वूलन ना गर्म होता है। क्यों? उसका एक रीज़न है, यहाँ सर्दी जिस हिसाब की पड़ती है ज़्यादा उस हिसाब से ये लोग यूज़ करते हैं आगे। डक डाउन फैदर ओके बस अभी हमने चेंज कराया कैश $200, उसके बदले हमें मिले हैं 92,200। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत अच्छा अमाउंट है और एक 1,00,000 रुपये खर्चने में मजा।